कोरोना से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर, यमुनानगर के रहने वाले एक शख्स की इटली में मौत हुई है। कोरोना वायरस की चपेट में आने से शख्स की मौत हुई है। 48 साल के विपिन लंबे समय से इटली में रह रहे थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कि इटली में भारतीय नागरिक की मौत हुई है, कोरोना वायरस से मौत हुई है। यमुनानगर के रहने वाले थे, 55 वर्षीय इस व्यक्ति की मौत हुई है और काफी समय से इटली में ही वो रह रहे थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना वायरस का प्रकोप हालांकि पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है, मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 15,000 तक पहुंच चुका है। अगर पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो इस वक्त के जो आंकड़े हैं, ऐसे में लगातार एहतियात बरते जा रहे हैं। बड़ी खबर ये कि यमुना नगर के एक शख्स की इटली में मौत हुई है, कोरोना के चलते ये मौत हुई है और काफी समय से वहां पर ये व्यक्ति रह रहे थे। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे यमुना नगर से संवाददाता तिलक भारद्वाज, इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। तिलक, पूरी जानकारी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 48 वर्षीय विपिन थे जो कि इटली के टेरेसिना जो सिटी थी उसमें लंबे समय से काम कर रहे थे और वहां पर ये कोरोना की चपेट में आए थे और इनकी जब मौत हुई थी तो अब जाके एक लेटर जो था वो पहुंचा है यहाँ पर और परिवार वालों को हालांकि इसके बारे में बता दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परिवार के लोगों ने ये कहा है कि जो बॉडी है उसका संस्कार वहीं पे कर दिया जाए क्योंकि कोरोना की चपेट में आके विपिन की मौत हुई थी। अगर उनको यहाँ पर लाया जाता है तो और भी कई लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसी के चलते परिवार के लोगों ने प्रशासन से ये कहा है कि वो डेड बॉडी यहाँ नहीं लाना चाहते हैं, अगर वहीं उसका संस्कार हो जाता है तो वो सबसे बेहतर है। हालांकि प्रशासन ने सबसे पहले जैसे ही ये सूचना यहाँ तक पहुंची थी तो परिवार वालों को ये इंटीमेट किया था कि विपिन की वहां पे कोरोना से मौत हुई है और उसके बाद जो उसके आसपास के परिजनों के जो आसपास में रिश्तेदार थे उनसे बातचीत के बाद ये निर्णय लिया है कि उसके शव को वो भारत में नहीं लाना चाहते हैं। कोरोना की चपेट में वैसे भी इटली पूरा कोरोना की चपेट में है और ऐसे में अगर शव यहाँ लाया जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर उसका संस्कार भी डॉक्टरों की देखरेख में होगा। ऐसे में साफ मना कर दिया है कि वो शव को वो यहाँ नहीं लाना चाह रहे हैं। चलिए, परिवार वाले दुखी तो जरूर हैं लेकिन उनकी तरफ से एक अच्छी बात कही गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तिलक तमाम जानकारी के लिए आपका। तो यमुनानगर के शख्स की इटली में मौत हुई है और सबसे अहम बात ये कि परिवार वालों ने यह कहा है कि उनका अंतिम संस्कार वहीं कर दिया जाए क्योंकि कोरोना वायरस के चलते ये मौत हुई है।